हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग विला। मैं पूजा आपकी अपनी फ्रेंड लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अपेंडिक्टिस। ये है हमारा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर एंड इट्स मैनेजमेंट का फिफ्थ टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ। डेफिनेशन देखेंगे, इट इज़ एन एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या होती है फ्रेंड्स? अ स्मॉल फिंगर लाइक अपेंडेज या फिर प्रोजेक्शन अटैच टू द कैकम जस्ट बिलो द इलियोनिकल वॉल। इनके फ्रेंड्स इन्होंने क्या बताया है कि जो भी हमारा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाता है। लेकिन वर्मीफॉर्म इंडेक्स क्या होता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या होती है, मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे दो तरह की इमेजेस दी गई हैं आपको, जहाँ से हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन अटैच होती है। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, थोड़ा सा पोर्शन दिखाया गया, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, इसका जो नीचे वाला पोर्शन है, ठीक है, ये जो हमारा यहाँ पे बताया गया कि इलियोलिकल वॉल्व एंड कैकम, कैकम हमारा ये है एंड इलियोलिकल वॉल्व हमारा जो है ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन है एंड कैकम हमारा इसे जो लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन। तो ये जहाँ दोनों अटैच हो रही हैं, यानी कि जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का ये वाला पोर्शन अटैच होता है, यहीं पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल अपेंडिक्स। ये हमारी नॉर्मल अपेंडिक्स है। लेकिन अपेंडिक्टाइटिस कब बन जाता है? जब उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है, क्योंकि वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इस तरीके का फॉर्म हो जाता है, इस तरीके में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वहाँ पर ITS लग गया, यानी कि वहाँ पर इन्फ्लामेशन फॉर्म हो चुकी है, देन वहाँ पर क्या हो जाता है, अपेंडिक्स फॉर्म, इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अपेंडिक्टाइटिस बोलते हैं। इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, बहुत ही कॉमन कॉजेज़ हैं फ्रेंड्स, जो कि मोस्ट कॉमन कॉजेज़ हैं। मैं दिखाना चाहूँगी आपको, मोस्ट कॉमन है इन एमरजेंसी एब्डोमिनल सर्जरी। अगर एमरजेंसीली कोई भी सर्जरी करनी पड़ जाती है तो ये फॉर्म हो जाती है। इन्फेक्शन की वजह से हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फेकल मैटर, यानी कि जो भी फेकल मैटर है आपका, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसका ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, उसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होता है। देन हो सकता है लिम्फोइड हाइपर प्लेजिया की वजह से हो सकता है, इन्फ्लामेशन एंड फाइब्रोसिस ऑफ कॉलन की वजह से, कॉलन में फाइब्रोसिस हो गया, फिर इन्फ्लामेशन हो गया, उसकी वजह से भी आपको ये होना हो सकता है। कॉजेज के बाद हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स। फ्रेंड साइन एंड सिम्टम्स क्या है, एक्यूट अबडोमिनल पेन 6 to 12 hours इन राइट लोअर क्वाड्रेंट एरिया। देन है एनोरेक्सिया, पेन एट मोस्ट कॉमन बंडीज पॉइंट लोकेटेड हाफ वे बिटवीन द अम्बलाइकस एंड द एंटीरियर स्पाइन ऑफ इलियम। नोजिया, वॉमिटिंग हो सकता है, फीवर 101 हो सकता है। रोविजिंग साइंस क्या होते हैं, पालपेटिंग द लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट विच पैराडॉक्सिकली कॉजेज पेन इन राइट लोअर क्वाड्रेंट। कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, लोकल टेंडरनेस विद प्रेशर। पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे फ्रेंड्स, पैथोफिजियोलॉजी में क्या है, ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ फिकल स्टोन एंड ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि कोई भी रीज़न हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, फिकल स्टोन हो सकता है, या फिर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। उसके बाद क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन इन अपेंडिक्स ल्यूमन, जो भी अपेंडिक्स का जो भी होल है, ल्यूमन है, एरिया है, उसमें क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। इंक्रीज इंट्रा ल्यूमिनल प्रेशर, इसका जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। डिस्टर्ब ब्लडी सप्लाई, ब्लड सप्लाई वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगी, एडिमा हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी अपेंडिक्स के अंदर, एंड क्या होगा, रप्चर हो जाएगा अपेंडिक्स, और वहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा अपेंडिक्स का। देन उसे हम क्या कहेंगे, अपेंडिक्टाइटिस कहेंगे। देन देखेंगे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन क्या होते हैं हमारे। ब्लड स्टडीज़ कर सकते हैं, इसमें WBC इंक्रीज है, यूरिनलाइसिस कर सकते हैं, लैप्रोस्कोपी बाय पॉजिटिव साइन एंड सिम्टम्स देख सकते हैं हम। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, परफोरेशन हो सकती है, एप्सेस हो सकती है, पेरिटोनाइटिस हो सकती है। मेडिकल मैनेजमेंट में देखेंगे हम, एडमिनिस्ट्रेशन एंटीबायोटिक्स एंड IV फ्लूड अनटिल सर्जरी इज़ परफॉर्म्ड, यानी कि मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, हम एंटीबायोटिक दे सकते हैं, IV फ्लूड दे सकते हैं, जब तक हम सर्जरी वगैरह नहीं करते, क्योंकि इसके लिए सर्जरी करनी पड़ती है अपेंडिक्टाइटिस के लिए। एनाल्जेसिक एजेंट कैन बी गिवन आफ्टर डायग्नोसिस इज मेड, जब डायग्नोसिस बन जाएगा देन एनाल्जेसिक वगैरह देंगे, आइस बैग थेरेपी दे सकते हैं, कंफर्टेबल पोजीशन दे सकते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, अपेंडेक्टॉमी करेंगे, रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स, यानी कि अपेंडिक्स का हम रिमूवल कर देंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं, प्री ऑपरेटिव केयर दे सकते हैं बिफोर सर्जरी, इंट्रा ऑपरेटिव केयर दे सकते हैं ड्यूरिंग प्रोसीजर और सर्जरी, पोस्ट ऑपरेटिव केयर दे सकते हैं आफ्टर सर्जरी। वी ऑल्सो डिस्कस प्रीवियसली अबाउट प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर।
ड्यूरिंग सर्जरी सी अल्सरेटिव कोलाइटिस मैनेज, यानी कि जो भी हमने आपको प्रीवियस वीडियो पढ़ाया है अल्सरेटिव कोलाइटिस, उसमें प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव दोनों चीज़ें डिफाइन की गई हैं, तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हैं। इंट्रा ऑपरेटिव केयर ड्यूरिंग सर्जरी, क्या क्या कर सकते हैं हम ड्यूरिंग सर्जरी, यानी कि प्री और पोस्ट पहले ही दे चुका है, और इंट्रा ऑपरेटिव हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि हम इंट्रा ऑपरेटिव ड्यूरिंग सर्जरी हम क्या क्या केयर कर सकते हैं, क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। फिजिकल प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट ऑफ अपेंडिक्टिस इंक्लूड अंडर इंट्रा ऑपरेटिव केयर, ऑल्सो वी शुड पेंट द एरिया ऑफ सर्जरी विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, एग्जाम्पल एग्जाम्पल पॉविटोनाइड आयोडीन कर सकते हैं। इफ स्मॉल हेयर इज प्रेजेंट वी शुड डू टू क्लियर रिमूव्ड हेयर्स, हेयर्स को रिमूव करेंगे। गैस्ट्रिक ट्रैक प्रिपरेशन कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्टेड फ्लूड एंड फूड फॉर पेशेंट, यानी कि सर्जरी से पहले फूड रिस्ट्रिक्टेड कर देंगे। मेंटेन आईवी लाइंस एज प्रिस्क्राइब, जैसे कि प्रिस्क्राइब किए गए डॉक्टर ने जो चीज़ें हम उसे फॉलो करेंगे। प्रिपेयर फॉर एनेस्थीजिया, चेक ऑल कार्डियोवैस्कुलर रेस्पिरेटरी एंड न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस, प्रोवाइड कंफर्टेबल रेस्ट एंड स्लीप, पुट आइस बैग ऑन राइट लोअर क्वाड्रेंट, रिमूव द नेल पॉलिश एंड हेयर पिन्स रिंग्स एक्सेट्रा, चेक द नोटिफाई एंड हियरिंग कैपेसिटी ऑफ पेशेंट। वी शुड हेल्प ड्यूरिंग वियरिंग हॉस्पिटल क्लोथ्स टू पेशेंट टू गिव प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड बाई डॉक्टर, कवर टू द पेशेंट विद ब्लैंकेट, ऑल रिकॉर्ड्स शुड बी सेंड विद द पेशेंट और टू ऑपरेशन थिएटर। फ्रेंड्स, ये जो प्री ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव जो भी मैनेजमेंट है, ये आप जिस भी सर्जरी जो भी आप सर्जरी देना मतलब कि पढ़ रहे हैं किसी और चीज़ की, तो उसमें जब आप मैनेजमेंट लिखेंगे देन उसमें आप इससे रिलेटेड पॉइंट्स लिख सकते हैं, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही काम आने वाली है, मतलब बहुत हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं स्पेसिफिक केयर ड्यूरिंग प्रोसीजर, प्रोवाइड प्रॉपर पोजीशन टू द पेशेंट अकॉर्डिंग टू द साइट ऑफ ऑपरेशन, राइट इलियक फोसा, ऑल एसेप्टिक टेक्निक्स शुड बी यूज ड्यूरिंग सर्जरी, फॉलो ऑल इंस्ट्रक्शंस ऑफ सर्जन्स, ट्रांसपोर्ट टू द पेशेंट टू रिकवरी रूम, कवर विद ब्लैंकेट एंड ऑल्सो केयरफुली शिफ्ट टू पेशेंट ऑन स्ट्रेचर। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होंगे, पेन रिलेटेड टू अपेंडिक्टिस एंड आफ्टर सर्जरी, नॉलेज डेफिसिट रिलेटेड टू प्रोसीजर ऑफ सर्जरी, एनजाइटी रिलेटेड टू फियर ऑफ डेथ ड्यूरिंग ऑपरेशन। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक या फिर जो भी हम पढ़ रहे हैं, तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सीरियोसिस ऑफ लीवर। थैंक यू फ्रेंड्स।